एक साइन इन नाम का फोल्डर बना दिया हूँ। ये जो फोल्डर है ना, ये एक वेबसाइट को दिखाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने टेस्ट डॉट एस टी एम एल यहाँ पर रखा है। अब इसको रन करने के लिए मेरा लोकेशन क्या होगा? जब भी मैं लोकल होस्ट करूंगा तो इस फोल्डर को एक्सेस करेगा वो, क्लियर है। तो लोकल होस्ट करने पर इस फोल्डर को एक्सेस करेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, और साइन लिखने के बाद स्लैश के बाद मैं लिखूंगा टेस्ट वन डॉट HTML। मेरा लोकेशन है लोकल होस्ट का मतलब है वो वाला फोल्डर। और देखिए जब मैं इसमें कर रहा हूँ तो देखिए ये जावा स्क्रिप्ट का जो मेरा कोड था वो यहाँ पे रन हो रहा है। रन किस तरीके से हो रहा है देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर गूगल लोकल होस्ट, अगर मैं इस वेबसाइट का नाम गूगल रख दूँ या कुछ और नाम रख दूँ तो लोग इसको इंटरनेट पे ऐसे ओपन करेंगे www.google.com/sign/test1.html। क्लियर, ये मेरा होगा URL। अगर मैं इसको किसी सर्वर पे होस्ट कर दूं, अभी मैंने इसको लोकल होस्ट पे होस्ट किया है, क्लियर है। तो मेरा जो सर्वर है वो लोकल सर्वर है, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूँ, लोकल होस्ट, या फिर मैं उसका आईपी एड्रेस लिख सकता हूँ 127.0.0.1। देखिए जैसे पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन हो रहा है। अब मैंने इसको अपने ही कंप्यूटर में रखा है, इसलिए यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो लोकल होस्ट का है। अगर मैंने इसको गूगल के सर्वर पे होस्ट किया होता, गूगल से मैंने स्पेस करना होता है, उसके लिए कुछ पे करना होता है। जैसे साइन कॉलेज की जो वेबसाइट है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, sciencecollege.org। तो ये जो वेबसाइट है आप देखेंगे कि इस वेबसाइट में www.sciencecollege.org लिखा हुआ है। तो इस वेबसाइट को किसी सर्वर पे होस्ट किया गया है, ठीक है। इस वेबसाइट को वैसे ही HTML में बनाया गया होगा। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पर करता हूँ और आप यहाँ पर सेव ऑप्शन देख सकते हैं। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। कहाँ पर सेव करता हूँ देखिए, मैं डेस्कटॉप में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप में मैं इसका नाम रख रहा हूँ SSI, जानबूझ के मैंने स्पेलिंग अलग रखी है ताकि आपको लगे। और मैं साइंस कॉलेज का वेब पेज पूरी तरीके से यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो कैसे किस तरीके से पेज का डुप्लीकेट बनाया जाता है या किसी वेबसाइट का डुप्लीकेट बना करके हैकिंग भी की जाती है, साथ में आप ये देख सकते हैं। देखिए SSAI मैंने लिखा और ये मेरा HTML फाइल है और उसकी कुछ सपोर्टेड फाइल यहाँ पर है। अब देखिए मैं इस साइट को कैसे मैं होस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको एडिट किया है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आपको दिख रही है और आप इसको काफी आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ साइंस कॉलेज या साइन लिखा हुआ, मैं यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको दिख रही है वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए टैग्स में दिख रहा है हमको अबाउट इंस्टीट्यूट, ये देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको अबाउट इंस्टीट्यूट। तो मैं अबाउट इंस्टीट्यूट के आगे जानबूझ के बड़ा सा ए लगा दे रहा हूँ, इतना सारा ए लगा देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। तो आप देखेंगे कि अबाउट इंस्टीट्यूट जो मिलेगा ना वहां पर मैंने नाम चेंज कर दिया है, क्लियर। अब मैं इन दोनों को फाइल को उठा रहा हूँ और होस्ट करने जा रहा हूँ। कहाँ पर होस्ट करूंगा मैं, याद रखिए जो आपका जैम सर्वर है, मैंने डी ड्राइव में रखा है जैम सर्वर, और यहाँ पर HTDoc, इसके अंदर मैं नाम फिर चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने होस्ट कर दिया और इसका नाम है साई कॉलेज। देखिए साई कॉलेज डॉट एच टी एम एल, क्लियर। अब देखिए मेरा वेब सर्वर किस तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट और साई की स्पेलिंग में लिखूंगा SSAI और यहाँ पर लिखूंगा साई कॉलेज। देखिए ये पेज ओपन हो गया, देखिए सेम टू सेम पेज है और अबाउट इंस्टीट्यूट की जगह ए ए ए ए लिखा हुआ आ रहा है। मैंने आपका जो पेज था उसको चोरी कर लिया, यानी उसकी कॉपी बना ली। इस तरीके से बैंक के जो पेज होते हैं ना उनको आप ऐसा
कॉपी कर लेते हैं आपको, जब कोई ओपन करते हैं तो आपको लगता है कि ये बैंक का पेज है और आप अपने उसमें अकाउंट नंबर पासवर्ड वगैरह डालते हैं, वो हैक कर लिया जाता है। इस टेक्निक को फिशिंग कहते हैं। क्लियर है? देखिए मैंने कैसे साई कॉलेज का जो वेब पेज है चंद मिनटों में उसको कॉपी कर लिया है। यहाँ पे जो फोटोज है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ और इसकी वेबसाइट मैंने रेडी कर ली है, बस इसको मैं लोकल सर्वर पे चला रहा हूँ। लोकल सर्वर पर चलाने का मतलब ये है कि देखिए आप इसकी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, तो इसमें जो आईपी एड्रेस दिया है और मैंने sainkollege.html लिखा तो ये पेज ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर सर्वर बंद कर देता हूँ तो आप इसको लोड करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ये देखिए सर्वर डाउन। फिर मैं इसके सर्वर को चालू करता हूँ और फिर से जब इसको लोड करूंगा तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। अभी इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये मेरे कंप्यूटर से चल रहा है लेकिन ये थ्रू TCP/IP प्रोटोकॉल चल रहा है, फाइल के थ्रू नहीं चल रहा है। अगर मैं जिस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ इसी वाईफाई से कोई मेरे आसपास है और वो वाईफाई सेम वाईफाई से कनेक्ट हो जाए और सेम अपने मोबाइल में ये लिखे तो उसके कंप्यूटर में ये उसके मोबाइल या कंप्यूटर में सेम ऐसा ओपन हो जाएगा और उसको लगेगा कि जैसे हमें कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जैसे कि शेयर इट या जेंडर वगैरह में होता है, आप पीसी से उसको एक्सेस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर काफी सारे से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका कोड मेरे पास है। जैसे इसको हम चलाते हैं तो कोड हमको दिखता नहीं है। अब यहाँ पर मैं कोड देखना चाहूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मेरा कोड है और यहाँ पर मैंने जो एडिट किया था, मैंने अबाउट या मैं इसको सर्च कर लेता हूँ काफी सारा ए लिख करके। अब देखिए यहाँ पर मैंने इतना सारा ए लिखा था, अब मैं इसको मिटा के क्या कर देता हूँ, ये बी 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 ऐसा लिख दिया मैंने। क्लियर? अब देखिए इसमें एंकर टैग बना है और वो सारे टैग यूएल टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट ये सब यही सब चीजों से बना हुआ है ये। अब ये सब चीजें बारीकी से पढ़े हैं एक चीज करके। क्लियर है? देखिए इनपुट टाइप टाइटल और CSS वगैरह भी लगी हुई है इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बी 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 ऐसा लगा दिया और इसको सेव कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर आप लोड करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन कॉलेज का पेज ओपन है और यहाँ पर ए ए है, मैं लोड कर रहा हूँ यहाँ पर। दोबारा जब मैं लोड करूंगा तो यहाँ पर देखिए बी 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 आ गया। तो ये हम पूरी वेबसाइट को ही चेंज कर सकते हैं और ये किसी वेबसाइट की कॉपी करना बहुत आसान होता है। उसको सेव करिए, उसमें चेंजेस करिए और एक नए आईपी एड्रेस पे अपलोड कर दीजिए। ये टेक्निक बहुत जगह यूज की जाती है हैकिंग के लिए, फिशिंग टेक्निक है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये साइंकोलेज की वेबसाइट नहीं है, आप उसको बिल्कुल साइंकोलेज की वेबसाइट मान करके अपना डेटा इसमें फिलअप कर देंगे, अपना OTP ईमेल आईडी सब दे देंगे। आपको लगेगा कि मैं साइंकोलेज की वेबसाइट यूज कर रहा हूँ जबकि साइंकोलेज की वेबसाइट नहीं रहेगी, फेक वेबसाइट रहेगी। क्लियर? ऐसे ही आप किसी बैंक के पेज को भी, जैसे मैं गूगल को मैं आसानी से बना सकता हूँ। गूगल का पेज लिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए सेव एज का ऑप्शन आता है, मैं डेस्कटॉप में फिर से सेव कर ले रहा हूँ इस गूगल के पेज को। देखिए मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर ये गूगल का पेज सेव हो रहा है और गूगल का पेज जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अपने लोकल होस्ट का जो सर्वर है उसमें होस्ट कर रहा हूँ। लोकल होस्ट का सर्वर जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वाला फोल्डर ही होता है। देखिए मैं SAI में यहाँ पर गूगल रख दिया और इसके स्पेलिंग भी चेंज कर देता हूँ, मैं 3 बार वो कर देता हूँ। देखिए मैंने गूगल को अपडेट मतलब उसी पेज को कॉपी किया और उसको देखिए गूगल में कुछ कोड लगा हुआ है कि अपना जो है इसको चेंज करने नहीं दे रहे, बट मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर इसकी सपोर्टेड फाइल भी चेंज हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ अपने वेब ब्राउजर पर। यहाँ पर मैं साइंस कॉलेज के बदले देखिए ऐसे लिख रहा हूँ जी टिम्बर। देखिए बिल्कुल एकदम गूगल का पेज ओपन हो गया है। ये वाली जो इमेज है गूगल ने उसको सिक्योर रखा है क्योंकि ये ऑनलाइन आती है ये इमेज, इसलिए नहीं आई। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक गूगल पेज जैसा दिख रहा है और बकायदा अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जीमेल ओपन करेगा, तो लगेगा भी नहीं कि ये डुप्लीकेट पेज है। बकायदा जीमेल से लिंक भी हो जाएगा क्योंकि सारी लिंक यहाँ पर दी हुई है। अब दिख रहे हैं कि ये एक फेक वेब पेज है, गूगल का फेक वेब पेज है और इसमें आप खुद भी चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर बताने का मीनिंग ये था कि आपने ये सर्वर जो बनाया, ये सर्वर का कंट्रोल पैनल था और इसको ये क्लाइंट है और ये सर्वर है,
अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूं तो ये नहीं चलेगा, क्लियर है, लेकिन ये चल रहा है देखिए, क्योंकि ये दूसरे आईपी से ले रहा है और ये हमारा है फेक वेबसाइट वाला, ये नहीं चल रहा है और ये चल रहा है, ये असली पेज है। जब इसको स्टार्ट करेंगे तब ये चलेगा, क्लियर। यहाँ पे आइकन्स भी देख सकते हैं, एक मिनट में मीटिंग